अलीजा टॉक के मुआज़ सामेईन को अलीजा कमल का सलाम। दोस्तों, आज आपको आदिल और सना और उनसे मुंसलिक रिश्तों की कहानी सुनाने लगी हूं। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। ये सर्दियों की एक ठठरी शाम थी। बर्फ कुछ इस अंदाज से गिर रही थी गोया फलक से नूर की बरसात हो रही हो। बर्फ का पहाड़ों पर गिरना, दरख्तों का सुकूत और पुरकशिश चांदनी, इन सब अनासिर ने मिलकर माहौल को एक तलिस्मी जजीरे का रूप अदा कर दिया था। उन दिनों आदिल की ड्यूटी वहां लगी हुई थी। वो सिगरेट के कश लगाते बड़े पुरसुकून अंदाज में गश्त करते हुए मोड़ काट रहे थे कि उनको एहसास हुआ कि माहौल इस कदर तन्हा भी नहीं है। यहाँ कोई और भी मौजूद है जिसकी सांसों की महक ने इर्द गिर्द की खामोश फजा को मुअत्तर कर दिया है। वो सैर को आने वाली एक लड़की सना थी। आदिल के साथ ये बड़ी दिक्कत थी कि ड्यूटी का वक्त खत्म हो जाने के बावजूद वो उस वक्त तक अपने ठिकाने पर लौट कर नहीं आते थे जब तक कि सुनसान सड़कों पर टहलने वाला एक भी शख्स मौजूद रहता था। दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि उनको आवारा गर्दी का जुनून था। घर वालों के मना करने के बावजूद वो ड्यूटी के बाद भी गश्त करते रहते और देर से घर लौटते थे। अचानक आदिल के सामने एक गाड़ी नमूदार हुई और उन्हें क्रॉस करते हुए गुजर गई, लेकिन उसकी तेज लाइटों की वजह से आदिल की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। बस इस कदर अंदाजा हुआ कि वो गाड़ी सामने वाले रेस्ट हाउस की तरफ गई है। ये रेस्ट हाउस काफी दिनों से वीरान पड़ा था। उसके बारे में मशहूर था कि यहां से रात को रोने की आवाजें आती हैं। गाड़ी को रेस्ट हाउस के जानिब देखकर आदिल के दिल में ख्याल आया कि जरूर यहां कोई ठहरा हुआ है। तजस्सुस के जज्बे ने सर उठाया और वो इसी समत चल दिया। रेस्ट हाउस तक पहुंचते पहुंचते बर्फबारी तेज हो गई और वो बरामदे में आ गया। अपना ओवरकोट और टोपी उतार कर झाड़ने लगा। फिर उसने कोट की जेब में हाथ डाला, सिगरेट निकाल कर मुंह में दबाया। अब वो माचिस तलाश कर रहा था। अचानक करीब ही हल्का सा शोर बुलंद हुआ। वो चौंक उठा और गरजदार आवाज में पूछा, कौन है? फजा के सुकूत को उसकी भारी आवाज ने लर्जा दिया। जवाब मिला, मैं हूं साहब, असदर खान, चौकीदार। आदिल के मुंह से ये अल्फाज निकले, तुम यहां क्या कर रहे हो? ये एक नहायत ही नामाकूल सवाल था। जाहिर है चौकीदार चौकीदारी कर रहा था। मैं चौकीदारी के लिए अभी थोड़ी देर पहले आया था, लेकिन आप यहां इस वक्त क्या कर रहे हैं? बर्फबारी शुरू है और आप अभी तक घर नहीं गए? बताता हूं, तुम अंदर चलो। दोनों उस कमरे में आ बैठे जहां उन्होंने बैठने का ठिकाना बनाया हुआ था। ये छोटा सा कमरा था जिसमें अंगीठी दहक रही थी और कमरे में आते ही खुशगवार हरारत का एहसास होता था। आपको सब्ज चाय पिलवाऊं? चौकीदार ने पूछा। साथ ही उसने अंगीठी पर केतली रख दी। ऐसे सर्द मौसम में ये गर्म मशरूब एक नेमत से कम नहीं होता। इसका मजा तो वही जाने जो गिरती बर्फ के बीच रहते हैं। आदिल को कुर्सी पेश करते हुए चौकीदार ने पूछा, आप ठेकेदार ताहिर साहब के भाई हैं ना? हाँ, तुमने ठीक पहचाना। मैंने अक्सर आपको ड्यूटी करते इस तरफ देखा है। एक बात पूछूं साहब, आप अक्सर इस रेस्ट हाउस की जानिब आकर यहां रुकते हैं, इसकी वजह क्या है? इस जगह से मेरी कुछ यादें वाबस्ता हैं। शायद तुम्हें याद हो, आज से चंद साल पहले इस रेस्ट हाउस में एक फैमिली आकर ठहरी थी। उस फैमिली में एक शरारती सी लड़की भी थी, उसका नाम सना था। उन दिनों भी ऐसा ही मौसम था। मौसम की पहली बर्फबारी हुई थी और ये लोग बर्फबारी देखने आए थे। मैं शाम को तकरीबन 9-10 बजे घर जा रहा था। मैंने देखा मोड़ पर लड़की बर्फबारी से परेशान है। वो चलकर रेस्ट हाउस तक जाना चाहती थी मगर सर्दी की वजह से उसकी हिम्मत जवाब दे गई।
और वो वहां मोड़ पर बेबस ही बैठ गए। मैंने उसके करीब अपनी गाड़ी रोक ली और पूछा, क्या बात है? तो उसने कहा कि मैं सैर के शौक में थोड़ा सा आगे चली आई और बर्फबारी होने लगी। मुझे अंदाजा नहीं था सर्दी इतनी बढ़ जाएगी, और अब ऐसा आलम है कि मैं कदम भी नहीं उठा पा रही। वहां तक कैसे जाऊं? अगरचे रेस्ट हाउस ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन मुझ में वहां तक जाने की ताब नहीं है। गाड़ी में आ जाओ। मैंने दरवाजा खोल दिया और वो तवक्कुफ किए बगैर जल्दी से छलांग मारकर मेरी बराबर वाली नशिस्त पर बराजमान हो गई। ये मेरी और उसकी पहली मुलाकात थी। यहां तक पहुंचकर आदिल को एहसास हो गया था कि वो जज्बात में बहकर यादों की बारात के पीछे निकल गया है। तभी उसने इस बात का सिलसिला खत्म करते हुए कहा, बस यार, इसके बाद की क्या बताऊं? तुम खुद समझदार हो। कुछ दिन ऐसे ही उसके साथ गुजारे जिनकी याद जहन से नहीं जाते। तभी इस रेस्ट हाउस की जानिब कभी कभी कदम उठते हैं और मुझे बीती यादें इस जगह ले आती हैं। चौकीदार से हमारे बड़े भाई की काफी शनासाई थी, लिहाजा आदिल भाई को भी उससे उनसियत महसूस होती थी। तभी अक्सर उसके पास सब्स कहवा पीने की खातिर गपशप कर लिया करते थे। लेकिन भाई का असल मकसद वहां जाने का कुछ और था। शायद वो फैमिली कभी दोबारा उस रेस्ट हाउस में आकर ठहरे तो चौकीदार उन्हें मतला कर देगा, जिसकी आदिल को तलाश थी। वो जाते हुए अपना पता भी बता कर ना गई थी। भाई को यादों के भंवर में डूबने को अकेला छोड़ गई थी। जाते हुए अलबत्ता उसने एक रुका छोड़ा था जिसमें तहरीर था, मुझे उम्मीद है कि तुम बुरा ना मनाओगे। मेरे चंद दिन जो तुम्हारे साथ गुजरे उनको मैं कभी नहीं भुला सकते। यहां मुझे कंपनी देने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हारा सहारा लिया, क्योंकि अकेलेपन से इंसान को वहशत होती है, और मुझे तो और भी ज्यादा कि मैं भरे पूरे कुनबे में रहती हूं। बहरहाल, तुम्हारे साथ चंद दिन गुजरा वक्त मैं कभी नहीं भूल सकती। तुमने मुझे बोर नहीं होने दिया, बहुत शुक्रिया। जिंदगी में एक बार जरूर इधर आऊंगी, मेरा इंतजार करना। 4 साल आदिल ने सना का इंतजार किया और वो नहीं आए। तभी भाई ने समझ लिया कि वो नहीं आएगी। वो गुजरती हवा का एक महकता हुआ झोंका थे जो एक ही बार आता है, दिलो रूह को फरहत पहुंचाता है और गुजर जाता है। रफ्ता रफ्ता आदिल मायूस हो गए, मगर सना की याद को दिल से ना भुला सके। मरी में भाई का काम ठीक चल रहा था, लेकिन सना की याद से दिल अब उस जगह से बेजार हो गया था। उस रोज उन्होंने वापस जाने की ठान ली और नौकरी छोड़कर कराची चले गए। वहां उनको और अच्छी नौकरी मिल गई। कहते हैं लगन सच्ची हो तो उम्मीद जरूर बराती है। आदिल के दिल में सना की याद कुछ इस तरह जाग उजी थी कि एक लम्हे को भी वो उस लड़की को फरामोश ना कर सके। हर पल यही दुआ करते कि ए अल्लाह, एक बार मुझे सना से मिला दे। एक दिन आदिल तारिक रोड से गुजरे तो एक दुकान में उनको सना नजर आ गई। भाई की खुशी का ठिकाना ना रहा, वो दौड़कर उसकी तरफ गए। जब सना ने उन्हें देखा तो वो भी खुशी से खेल उठी। दोनों बरसों बाद मिले थे, बीती बातें सब याद आ गई। सरसब्ज पहाड़ों और खूबसूरत घाटियों के बीच लगाए कहके सैर और फिर गरम गरम कॉफी, वो लुत्फ बातें सब याद आ गया। सना ने बताया कि मेरे वालिद साहब फौत हो गए तो हमारे हालात बहुत बदल गए। इस बायस हम दूसरी बार मरी की सैर को नहीं आए। खैर, दोनों ने इसको गनीमत जाना कि कुदरत ने एक बार फिर उनको मिला दिया था। मेरे भाई ने सना को बताया कि आजकल वो कराची में ही सर्विस करता है,
तो वो खुश होकर बोली, फिर तो और भी अच्छा है, मेरे घर चलो, अम्मी तुमसे मिलकर खुश होंगी। वो आदिल को अपने घर ले गई। उसकी माँ भाई से मरी में मिल चुकी थी, इसलिए सभी खुश होकर मिले और आदिल भाई को रात का खाना खिलाया। अब आदिल को उस लड़की की असल जिंदगी का पता चला। घर से उसका बाप ऑफिसर था, मगर उसकी फौतगी के बाद उन माँ बेटी का कोई आसरा ना रहा था। दो बड़े भाई थे जो उनको थोड़ा बहुत खर्चा देते थे और कुछ वालिद की पेंशन पर गुजारा चलता था। माँ को बेटी की शादी की फिक्र थी, भाई तो अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश थे। माँ चाहती थी कि उसकी जिंदगी में सना अपने घर की हो जाए। आदिल और सना फिर से मिलने लगे। उन मुलाकातों को रंग लाना ही था। दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। आदिल ने घर खत लिखा, अम्मी जान, मैं जिस लड़की से शादी करना चाहता हूं, आइए उसे देख लीजिए और रिश्ते की बात चला लें। जवाब में अब्बू ने बहुत सख्ती से खत लिखा कि अपने खानदान में एक से एक अच्छा रिश्ता मौजूद है, तो गैरों में रिश्ता करने की क्या जरूरत है। गर्ज हमारे वालिदैन रजामंद ना हुए तो आदिल ने घर वालों की परवाह ना करते हुए सना से शादी कर ली। उस शादी में सिर्फ लड़की की मां की मर्जी शामिल थी। उसके भाइयों को भी इल्म नहीं था कि उनकी बहन का आदिल से निकाह हुआ है। मां ने बाद में उनको मतला किया तो वो रुसवाई के डर से खामोश हो गए। कहा जाता है कि जब लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी। ऐसे ही कुछ मामला इधर भी था। दोनों एक दूसरे की चाहत में बंधे थे, लिहाजा अलहदा घर लेकर रहने लगे। जब हमें आदिल भाई की शादी का पता चला तो हमको बहुत सदमा हुआ। अम्मी तो बहुत परेशान हुई क्योंकि वो बेटे की शादी अपनी भांजी से करना चाहती थी। वालिद साहब तो सख्त नाराज थे। हम सब की उम्मीदों पर औस पड़ गए क्योंकि नायमा हर लिहाज से अच्छी लड़की थी और हम सभी की आंख का तारा थी। खैर, उसके बाद हमारा आदिल से नाता ही टूट गया। सिर्फ बड़े भाई ताहिर से उसका राबता बरकरार था। उन्हीं के जरिए आदिल की खैर खैरियत मालूम हो जाती थी। इतना मुझे मालूम था कि भाई की अच्छी नौकरी है और वो सना के साथ खुशोखुरम जिंदगी गुजार रहे हैं। पता नहीं फिर क्या हुआ, क्या हालात बन गए। सना के दिल में क्या समाई कि उसने अपने भाइयों को खत लिखा कि मैं आदिल के साथ खुश नहीं हूं, मैं उसके साथ रहना नहीं चाहती, जबकि उसने मुझे जबरदस्ती रखा हुआ है। सना के भाइयों ने पुलिस से राबता किया जिसकी वजह से आदिल और सना भाभी पर केस बन गया। लेकिन चूंकि उन दिनों भाभी उम्मीद से थी, इस तरह वो अपने बिछाए हुए जाल में फंस गई। यूं मियां बीवी दोनों को ही पुलिस पकड़ कर ले गई और उनको जेल हो गई। हालांकि आदिल भाई के पास रहते हुए सना को किसी किस्म की तकलीफ नहीं थी और वो साल भर से भाई के पास रह रही थी। जेल में सना की बेटी पैदा हुई, नाम उन्होंने महक रखा। वो बहुत खूबसूरत बच्ची थी। कुछ दिनों तक केस चलता रहा। सूरत हाल के पेशे नजर बिलाखिर आदिल ने बीवी को तलाक दे दी। इस वाकिये ने मेरे भाई को ऐसा दिल बर्दाश्ता किया कि वो कराची की सर्विस को खैर बात कहकर हमारे पास लौट आए और वालिदैन से माफी मांगी। उन्होंने बेटे को माफ कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी खुशी से आदिल की शादी नायमा से कर दी। शादी के बाद आदिल भाई सना को भूल गए। नायमा बहुत समझदार लड़की थी। उसने उन्हें इज्जत, प्यार, एतमाद, खुशी दी और उनकी खिदमत भी करती थी। वो एक मिसाली शरीके हयात साबित हुई। 12 साल में एक बार भी उनका आदिल से झगड़ा नहीं हुआ। इस दौरान उनके यहां 4 बच्चों ने जन्म लिया। आदिल और नायमा अपने बच्चों में मगन खुशगवार जिंदगी जी रहे थे कि अचानक 12 साल बाद उनकी जिंदगी में बौछार आ गया। सना के भाइयों का खत आया
कि महक अपने बाप के पास रहना चाहती है, लिहाजा आप अपनी बेटी को ले जाएं। खत मिलते ही आदिल भाई बहुत डिस्टर्ब हो गए, नायमा भाभी भी परेशान हुई। बहरहाल उन्होंने खुद को संभाला और शौहर से कहा, जाओ और जाकर अपनी बेटी को घर ले आओ, मुझे उसके यहां आने पर कोई एतराज नहीं है। बीवी की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलते ही आदिल की जान में जान आई और वो बेटी को लेने कराची चले गए। महक गोया तैयार बैठी थी, बाप के साथ आ गई। वो जब यहां आई तो हम सब खुश थे, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर के लिए नहीं थी। वो सिर्फ एक माह हमारे साथ रही, फिर उसने वापस जाने की जिद शुरू कर दी। वो खुद भी बहुत परेशान रहती थी और हमें भी परेशान रखती थी। आखिरकार आदिल भाई ने फैसला किया कि महक को उसके ननिहाल वालों को वापस कर देना चाहिए। जब बच्ची ही यहां खुश नहीं है तो उसको जबरदस्ती रखने का क्या फायदा है। ननिहाल जाने के कुछ दिनों बाद ही महक ने खत लिखा कि वो खैरियत से पहुंच गई है और हम लोग उसे बहुत याद आते हैं। वो अब हमको खत लिखती कि मुझे आप लोगों के पास आना है, मैं अम्मी के लिए उदास हो गई थी इसलिए यहां वापस आ गई थी, लेकिन अब मैं आप लोगों के लिए उदास हो गई हूं। बिलाखिर एक बार फिर अम्मी जान को रहम आ गया। उन्होंने आदिल से कहा, बेटे जाओ और जाकर मेरी पोती को ले आओ। तब मेरे भाई ने जवाब दिया, ठीक है अम्मी, मैं आपके कहने से उसे ले आता हूं। अगर वो अब की बार भी ना रही तो इसके बाद मैं उसको लेने कभी नहीं जाऊंगा। महक एक बार फिर हमारे घर आ गई। वो बहुत खुश थे, कहती थी कि मुमानी बहुत तंग रखती हैं, अम्मी तो मुझसे कभी कभी ही मिलने मामू के घर आती हैं, मैं अब वहां नहीं रहूंगी क्योंकि नानी जान जो मुझसे बहुत प्यार करती थी फौत हो गई हैं, मैं अब हमेशा आपके साथ रहूंगी। इस बार वो दो माह बहुत सुकून और बड़े आराम से रही। हमने भी सोचा, चलो इसे अक्ल आ गई है और उसने हमसे दिल लगा लिया है। हम कब चाहते थे कि ये हमारे घर से जाए, वो हमारे भाई की बेटी थी, हमारी अपनी थी, और किसका दिल चाहता है कि अपनों से जुदा रहे। दरअसल वो एक नादान बच्ची थी और उसके सब फैसले जज्बाती थे। वो जितनी जल्दी आने की करती थी उतनी ही जल्दी उसे वापस जाने की पड़ जाती थी, जैसे दो मोहब्बतों के बीच तकसीम हो गई हो। अब वो दो कश्तियों के सवार थे, कभी बाप और उसके रिश्तेदारों की मोहब्बत कशिश करती तो कभी मां का प्यार उसे अपनी जानिब खींच लेता था। जब तक उसने बाप को नहीं देखा था, वालिद की शफकत से नाआशना थी, बेखबर थी कि ददियाल वालों की चाहत क्या होती है। लेकिन अब वो जान चुकी थी कि इंसान रिश्तों के बगैर नामुकम्मल रहता है। तभी वो दादा दादी, फूफियों और ताया चाची की मोहब्बत की भी मुतलाशी थी। अब वो हमारे दरमियान रहकर सुकून महसूस करती थी। दो माह गुजरे थे कि एक दिन उसकी माँ का फोन आ गया। जाने क्या बातें हुई, फोन रखते ही महक उदास हो गए, परेशान रहने लगी और फिर उसने रट लगा दी कि मुझे मामू के घर जाना है, अम्मी मुझे याद करती हैं, वो दुखी हैं, मैंने वहां जाना है। ये सूरत हाल भाई को कबूल नहीं थी। वो बार बार अपने साबका ससुराल नहीं जाना चाहते थे, लेकिन ये सच है, औलाद की मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है। वो महक के लिए जाने पर मजबूर थे। बहरहाल बेटी की खातिर जाना पड़ा कि औलाद चीज ही ऐसी होती है। महक की जिद से मजबूर होकर जब वो उसे मामू के घर छोड़ने गए तो वहां सना भी अपने दूसरे खामद और बच्चों के साथ आई हुई थी। उन लोगों से जब भाई का सामना हुआ तो आदिल के दिल को सख्त ठेस पहुंची। उनको गुजरा जमाना याद आ गया और वो बहुत दिल गरिफ्ता लौट कर आ गए। तभी कसम खाई कि वो बेटी को फरामोश कर देंगे।
लेकिन अब लौटकर दोबारा वहां नहीं जाएंगे। उसके बाद महक ने कई खत लिखे और फोन भी किए, लेकिन आदिल फिर वहां नहीं गए। भाई ने तो अपने बच्चों में दिल लगा लिया और सना भी अपने खामद और तीन बच्चों के हमराह खुशो खुरम जिंदगी गुजार रही है। दुख तो महक को मिला, वो रिश्तों के दो हिस्सों में बटी तो उसकी जिंदगी तबाह हो गई। ऐसे वालिदैन क्या जाने कि उनकी छोटी छोटी गलतियों से उनके बच्चों को किस कदर नुकसान पहुंचता है। काश बड़े ऐसी गलतियां ना करें जिससे उनके बच्चों की शख्सियत टूट फूट कर अधूरी रह जाए। उनको जान लेना चाहिए कि रिश्ते टूट जाना खेल नहीं। इस तरह मासूम बच्चों पर उनकी मोहब्बतों और नफरतों से कितना बुरा असर पड़ता है। शायद कुछ लोग पैदा ही बेवफा फितरत लेकर होते हैं। ऐसे लोगों को न औलाद की परवाह होती है और ना ही माँ बाप की और ना ही अपनी इज्जत की। आज भी मैं इस सवाल का जवाब नहीं पा सकी कि महक भी तो उसी माँ की बेटी थी, उसको हमने कितना समझाया था, फिर भी उसने हमारी मोहब्बत का यह सिला दिया कि अपने अब्बू का दिल दुखाकर चली गई। हाँ सच है कि जाने वाले चले जाते हैं, उनको किसी की सदा कोई मोहब्बत भरी पुकार नहीं रोक सकती। दोस्तों ये थी आज की कहानी जो कि बेवफा फितरत पर थी। हमारे दरमियान बहुत से रिश्ते बेवफा फितरत और खुदगर्ज फितरत के मालिक होते हैं। बहरहाल शादी के बाद जिंदगी बहुत बदल जाती है। कम से कम अपना नहीं तो अपनी औलाद का जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि जब दो रिश्ते अलग होते हैं तो बीच में तीसरा रिश्ता बहुत डिस्टर्ब हो जाता है जो कि औलाद होती है। इसलिए खुद से ज्यादा अपनी औलाद की फिक्र करें कि उनका मुस्तकबिल कैसा होगा। आपकी किन बातों की वजह से आपकी औलाद पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी औलाद के बारे में जरूर सोचा करें। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर किया करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अलीजा कमल को इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।